चरंगे पाटील यांनी मागणी केली आहे शिवतारे मला भेटले, मी त्यांना सांगितलं आपली राज्यात महायुती आहे, युती धर्म पाळणं हे आपलं शिवसेनेचं कर्तव्य आहे असं मी त्यांना सांगितलेलं आहे आणि त्याप्रमाणे ते गेलेत। त्यांची आता तब्येत ठीक नाही, त्याचं ट्रीटमेंट सुरू आहे आणि मला वाटतं महायुतीमध्ये आमचे सर्व कार्यकर्ते शिवसेना पूर्णपणे जिथं ज्याचा कॅन्डिडेट असेल त्याला पूर्ण ताकदीने मदत करून निवडून आणणार। अरे हिंदू द्वेष्टे सगळे होते ना, तिकडे सगळे हिंदुत्वाचा द्वेष करणारे सगळे होते, तर हिंदुत्व शब्द कसा येणार? फक्त मी हिंदू आहे तेही बोलले नाहीत काल। गर्व से कहो हम हिंदू तर गेलं, परंतु हिंदू शब्द बोलायला देखील काल हिम्मत झाली नाही, त्यामुळे हिंदुत्ववादी पक्ष म्हणण्याचा नैतिक अधिकार त्यांना राहिलेला नाही। राहुल गांधी ने बोला था कि हिंदुओं को शक्ति, उसको लेके बाद उनके नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने डैमेज कंट्रोल करने की भी कोशिश की, तो क्या राहुल गांधी तैयार करके नहीं कहीं आते हैं या जानबूझ के विवादित वाला बयान देते हैं, क्या लगता है सर उसको? जो हाउस से गई वो बुंद से नहीं आती है, उन्होंने बोल दिया। उनका आपको पता है कि भाषण, उनका अभ्यास, वो क्या हमेशा विदेश में ज़्यादा रहते हैं ना, इसलिए यहाँ का जो उनको स्टडी होना चाहिए, कौन से मुद्दे पर अपने विचार रखने चाहिए, उसमें थोड़ी गफलत हो सकती है। और लेकिन उन्होंने जो कहा है, कितना भी डैमेज कंट्रोल करें नहीं हो सकता है। उन्होंने तमाम आदिशक्ति, स्त्री शक्ति, नारी शक्ति, हमारे देव देवताओं का अपमान किया है और ये अपमान का बदला हमारे देश की जनता जरूर लेगी। कभी किधर बिगुल बंद हो गया हो? हाँ, वही से शिव तीर्थ पे, शिवाजी पार्क से ही बाला साहब ने हिंदुत्व की गर्जना की थी। और शिवाजी पार्क पर अभी सभा लेने का नैतिक अधिकार उनको नहीं है, क्योंकि बाला साहब के विचार उन्होंने गाड़ दिए। बाला साहब के विचार को उन्होंने सत्ता और लालच में छोड़ दिए, और जो बाला साहब के विरोधी विचार वाले, जो कांग्रेस, बाला साहब कहते थे अगर मेरी कांग्रेस होने लगी तो मैं मेरी दुकान बंद करूंगा, अभी उनके साथ ही जॉइंट वेंचर में दुकान चालू किया है इन्होंने। सर, सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला क्या तय हो गया? क्या दिल्ली जाने वाले हैं फाइनल डिसीजन लेने के लिए? क्या रूपरेखा है सर? काही टेंशन घेऊ नका, जागा वाटप समन्वयानी आणि सन्मानजनक होईल। महायुतीमध्ये कुठलाही विवाद नाही, काहीच चिंता करू नका, योग्य वेळी निर्णय होईल। आणि आपल्याला मी पुन्हा एकदा सांगतो की या राज्यामध्ये 45 पारचा आकडा या राज्यात महायुतीचा येईल आणि मोदी साहेबांचे हात मजबूत होतील। आपको बताता हूँ, हिंदी में बताता हूँ, ये सीट शेयरिंग की बात की लेकर कोई चिंता नहीं है, सम्मानजनक निर्णय होगा, समन्वय से निर्णय होगा। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ऐसे माहौल में जब विपक्ष तो पूरा सो गया है, विपक्ष तो पूरा कॉन्फिडेंस लूज किया है उन्होंने, उनके उसमें तालमेल नहीं है, अपन मानतो ना कोना तो पायपूस कोना मदे नहीं, तालमेल नहीं है, वो एक दूसरे के ऊपर क्या बोलते हैं उसको, विश्वास नहीं है, एक दूसरे के ऊपर संदेह है उनके दिल में, ये क्या करेगा वो क्या करेगा। ऐसे परिस्थिति में जो 1.5-2 साल में हमने जो काम किया है, इस राज्य का विकास किया है, और केंद्र में मोदी जी ने 10 साल में काम किया है, उसका पूरा जो आज इस चुनाव में नतीजा आपको दिखेगा, और 45 से ज़्यादा सीटें महाराष्ट्र से आएगी, और मोदी जी ने कहा है कि अब की बार 400 पार
निश्चित रूप से आंकड़ा होगा। पहली यादी कर दी जाए लोकसभा की सीटें जो है वो कॉम्प्रोमाइज करेंगे। नहीं नहीं, मैंने अभी कहा ना कि समन्वय और सम्मानजन, क्योंकि महायुति है हमारी और हमारे में अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग है और एक दूसरे को हम लोग साथ लेकर चलने वाले लोग हैं और हमारा टारगेट यही है कि मोदी जी को फिर से बड़ी ताकत से प्रधानमंत्री बनाएंगे और निश्चित रूप से 400 का पार पूरा आंकड़ा जो है पार होगा। राज ठाकरे क्या महायुति में शामिल हो रहे हैं? एमएनएस की मीटिंग हो रही है लगातार, क्या राज ठाकरे एमएनएस महायुति में शामिल हो रही है एनडीए में? राज ठाकरे जी अभी हमारे एक विचारधारा वाले हैं, एक ही विचार के लोग हैं हम लोग सभी लोग, और इसलिए निश्चित रूप से जो के निर्णय होगा। सर, मनोज तरंग पाटील यांनी मराठा आंदोलनावरती जे राजकीय गुन्हे दाखल झाले ते मागे घेण्याची मागणी केली आहे, त्या संदर्भात कारवाई काय कुठपर्यंत आलेली आहे? मी याच्यावर परवाच्या दिवशी पण बोललो की आपण त्यांच्या मागणीप्रमाणे जस्टिस शिंदे कमिटी आपण गठित केली, ते काम सुरू आहे। मराठा आरक्षण 10% आपण देण्याचा निर्णय घेतला होता जाहीरपणे आणि तो विशेष अधिवेशन घेऊन आपण 10% आरक्षण दिलं। ते आरक्षणाचा लाभ मराठा समाजातल्या तरुणांनी जास्तीत जास्त घेतला पाहिजे। आता पोलिसांची भरती सुरू आहे, त्याचा फायदा त्यांना होईल। कोर्टामध्ये काही लोक गेले होते परंतु कोर्टाने त्याला स्टे दिला नाही, सरकारने राज्य हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टमध्ये कॅवेट फाईल करून ठेवलेला आहे। त्यामुळे मराठा आरक्षण आम्ही म्हणत होतो की मराठा आरक्षण टिकेल, टिकणार, कायद्याच्या चौकटीत बसणारं आरक्षण आम्ही देणार आणि आम्ही शब्द पूर्ण केलेला आहे, शपथ पूर्ण केलेली आहे आणि कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचं काम सुरू आहे। आणि त्याचबरोबर जे गुन्हे दाखल आहेत हे गुन्हे दाखल करण्याचे जसं जे आम्ही त्यांना नोटिफिकेशन जे आहे कुणबीचं सगळे सोयरेंचं त्याला जी 8 लाख ज्या हरकती आलेल्या आहेत त्याच्या बाबतीमध्ये स्क्रुटिनी सुरू आहे, छाननी सुरू आहे। तसंच या बाबतीत देखील जे गुन्हे म्हणजे नॉन सिरियस आहेत, लोकशाहीमध्ये आंदोलन घेतलं आहे, सभा घेतल्यात, रॅली काढलेल्या आहेत, त्यामध्ये काही गुन्हे दाखल झाले।